वेलकम बैक टू दी व्हाइट स्लेट पढ़ाई एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू दी पढ़ाई ऑफ पॉलीनोमियल्स दैट इज चैप्टर नंबर टू ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास नाइन. वी हैव ऑलरेडी डन द फर्स्ट एक्सरसाइज. वी हैव डन द इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन दी अदर पार्ट्स और वो अदर पार्ट्स हैं हमारे जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल. एक्सरसाइज 2.2 जो है दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन योर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल. नाउ यू वुड बी सेइंग कि क्या होते हैं ये जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल. तो जो हमने पिछली बार डिस्कस किए थे कि हमारे पॉलीनोमियल्स क्या हैं, आपको याद होंगे. शायद नहीं याद है तो आप पहले फर्स्ट वाली वीडियो देखिए. कोई भी इस टाइप का जो हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल है, हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं एक साथ. तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेती हूँ 2x² + 3x + 1. तो हमारे पास अगर एक ये पॉलीनोमियल है तो इस पॉलीनोमियल में एक्स की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं जो इस पूरे के पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो बन जाए. तो वही हमारा इस पॉलीनोमियल का ज़ीरो होगा. जो भी मैं एक्स की वैल्यू रखूं यहाँ पे, जिससे कि मेरे पूरे के पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाए, वही मेरे इस वाले पॉलीनोमियल के लिए ज़ीरो माना जाएगा. ठीक है, तो कोई भी इस टाइप का नंबर, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं पी एक्स से. ठीक है, तो जो हमारा पी एक्स है उसमें मैं एक्स की जगह पे ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा का पूरा जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए. तो उस टर्म को, उस ए को हम यहाँ पे बोलते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल. फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले के लिए आप अगर कोशिश करते हैं, इसकी जगह पर मान लो मैंने ए रखा होता, ए रखने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारा ज़ीरो आ जाता तो जो हमारा a है वो इसका ज़ीरो हो जाता. अब मैं उसे लिखती कैसे, मैंने a रखा था यहाँ पे, इसका मतलब x माइनस a जो है वो हमारा इस पॉलीनोमियल का एक ज़ीरो हो जाता, या आप कह सकते हैं कि वो उसका एक फैक्टर हो जाता. ठीक है, x माइनस a, मैंने यहाँ पे a लिया था तो मैंने यहाँ पे x माइनस a लिखा है. वैसे ही अगर माइनस a की वैल्यू रखने से मेरा ये वाला पॉलीनोमियल ज़ीरो हुआ होता तो उस केस में यहाँ पे जो फैक्टर बनता वो बन जाता हमारा x प्लस ए, या जो हमारा ज़ीरो बनता वो x प्लस ए बन जाता. ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, उल्टा क्यों करके क्यों लिख रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए आप हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारी x की वैल्यू जो है वो माइनस ए है. तो अगर x की वैल्यू हमारी माइनस ए है तो आप इसे इज इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये x प्लस ए हो जाएगा, तभी ये हमारा ज़ीरो के इक्वल आएगा. तो यही मेथड है हमारी x की वैल्यू को फाइंड आउट करने का. इसी वजह से हम यहाँ पे चेंज करके लिखते हैं. अगर यहाँ पे हमारा माइनस ए रखने की वजह से ज़ीरो बन रहा है तो यहाँ हमारा जो ज़ीरो बनेगा वो एक्स प्लस ए होगा, और अगर हमारा यहाँ पर प्लस ए रखने की वजह से ज़ीरो बन रहा है तो हमारा जो फैक्टर होगा, जो ज़ीरो होगा वो एक्स माइनस ए होगा. ठीक है, तो चलिए इसी सोच के साथ हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ते हैं. इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, काफ़ी उसमें एक्स की वैल्यूज़ दी हुई होंगी, उन पे हमें वेरीफाई करा के देखना है कि क्या इस वाले पॉलीनोमियल के लिए ये वैल्यू ज़ीरो है या नहीं है. और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी दिए हैं जिनमें हमें ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं. इस हमारा जो 2.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें हमारा एक पॉलीनोमियल गिवन है 5x - 4x² + 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तीन प्लेसेस पे, एक बार x इज इक्वल्स टू 0 पे, एक बार x इज इक्वल्स टू -1 पे, और एक बार x इज इक्वल्स टू 2 पे. तो फाइंड आउट करके देखते हैं एक एक करके. जब मैं x इज इक्वल्स टू 0 ले रही हूँ, मतलब मैं p 0 ले रही हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे हर एक जगह पे x की जगह पे अब मुझे 0 रखना होगा. तो बस पुट करते हैं x की जगह पे हम 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हमारा 5 × 0 जो वो 0 हो जाएगा. यहाँ पे 4 × 0 भी 0 होना चाहिए, देख लेते हैं वो भी. तो 0 - 0 + 3 मतलब कि आंसर आ गया हमारा 3. तो जब हम p इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है 3 के इक्वल. इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं. सेकेंड वाला जो पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट वाला पार्ट था p 0 पे आपके पॉलीनोमियल की वैल्यू आ रही है 3. सेकेंड वाले पार्ट पे आपका p जो है वो -1 के इक्वल हमें पुट करना है. तो हम x की जगह पे हर एक जगह -1 रखेंगे, -4 1 का स्क्वायर + 3. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 × -1 वुड बी इक्वल टू -5. यहाँ पर आपका -4 × ये जो -1 का स्क्वायर है ये होगा -1 × -1, मतलब कि सिर्फ +1 हमारे पास यहाँ पे बचेगा और फिर +3. सो इट वुड बी इक्वल टू -5 - 4 + 3, तो इट वुड बी इक्वल टू -9 + 3. इट मीन्स आंसर वुड बी योर -6. तो
तो सेकेंड अगर हम p इज इक्वल्स टू माइनस वन रखते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है -6, मतलब इनमें से कोई भी हमारा पॉलिनोमियल का जीरो तो नहीं था, ना जीरो ना ही -1। टू को रख के देखते हैं, टू आता है क्या हमारा जीरो के इक्विवेलेंट या नहीं आता है, देख लेते हैं। नहीं भी आता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो हम वही फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे 5 × 2 − 4 × 4, क्योंकि हमारा जो 2 का स्क्वायर है वो 4 हो जाता है, +3, सो दैट वुड बी इक्वल टू 5 × 2 मतलब 10, 4 × 4 मतलब कि 16, और यहाँ पर +3, तो ये भी आपका जो है वो -3 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 10 + 3 = 13 होता है, तो 13 − 16 जो है वो -3 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी तीन वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल्स टू 0 पे 3 है हमारी वैल्यू, x इज इक्वल्स टू -1 पर -6 है वैल्यू, और x इज इक्वल्स टू 2 पे हमारी वैल्यू जो है वो -3 के इक्वल आ गई। यहाँ तो सिर्फ आपको वैल्यू पुट करानी थी, कुछ खास काम हमें यहाँ करना नहीं था। अब आप यहाँ देखिए, सेम इसी तरीके से इन्होंने इस बार हमें अलग अलग चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं सेकंड क्वेश्चन में, और इनमें हमें P0, P1 और P2 तीन जो है उनकी वैल्यूज़ निकाल कर दिखानी है कि क्या होगी। तो फिर से वही सेम काम करना है, सबसे पहले हम P0 देखते हैं, इसकी जगह 0 रख के देखते हैं, तो 0 का स्क्वायर -0 + 1 मतलब कि सिर्फ 1 बच जाएगा, ये 0 ये भी 0 सिर्फ 1 बच गया। पी इज इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं, 1 का स्क्वायर -1 + 1 मतलब कि 1 − 1 + 1, -1 से +1 कैंसिल, सिर्फ आंसर आपका फिर से 1 बच गया इस केस में भी। अब p इज इक्वल्स टू 2 रख के देख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 − 2 + 1, 4 में से 2 गया आपका, 2 बचा, 2 + 1 मतलब कि 3 के इक्वल आ गया हमारा। तो पहले वाले के लिए P0 है वो 1 हो गया, P1 भी 1 है, और P2 जो है वो हमारा 3 के इक्वल आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, P0 लगा के पहले T + T की जगह पे हमें 0 रखना है, 2T², तो फिर से यहाँ पे हमें T की जगह 0 रखना है, और यहाँ क्यूब में भी T की जगह हमें 0 रखना है, मतलब कि 2 + यहाँ पर 2 × 0 तो मतलब 0, और 0 का क्यूब तो 0, तो आंसर जो है वो सिर्फ हमारा 2 के इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, 2 + 0, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 × 0 भी 0 हो गया, और 0 का क्यूब भी 0 ही होता है, तो हमारे पास सिर्फ 2 बच गया, P0 की वैल्यू हो गई 2। ऐसे ही हम P1 की वैल्यू रखते हैं, 2 + T की जगह पे 1 + 2, यहाँ पे T की जगह पे 1 का स्क्वायर -T³ की जगह पे 1 का क्यूब, तो 2 + 1 यहाँ पे 2 × 1 मतलब सिर्फ 2 बचेगा, और -1, 1 का क्यूब भी माइनस ही होता है, तो आप देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 1 से जो 1 है, +1 से −1 कैंसिल, तो यहाँ आंसर आपका आ गया 4। ठीक है, कैंसिल क्या, +1 − 1 तो 0 हो जाएगा, वो आपस में कट हो जाएंगे, तो सिर्फ 2 और 2 जो है वो 4 बच जाएगा आपका। ऐसे ही आपको P = 2 पे भी निकालना है आपकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम P2 की वैल्यू निकालनी है, रख के देख लेते हैं, यहाँ पे 2 + T की जगह पे 2 + 2, T की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 का क्यूब, इस बार हमारा आ जाएगा ये 2 + 2, तो पहले ही हमारा 4 हो गया, फिर उसके बाद 2 × यहाँ पे 2 × 2 = 4 होता है, तो वो 4 − 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, तो वो 8 आ गया हमारा, तो ये आएगा हमारा 4 + 4 × 2 = 8 और −8, तो +8 से −8 कैंसिल हुआ, आंसर बन गया आपका 4। सिमिलरली इसी तरीके से आपको उन दोनों क्वेश्चंस के लिए भी P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी निकाल लेते हैं हम फटाफट, बहुत इजी है ये, इजीली बस आपको वैल्यू रखनी है और सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की इसमें ज़रा सी भी ज़रूरत आपको है नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक्स क्यूब है, तो 0³ रख देंगे हम, एक्स की जगह पर 0 रख के, तो 0 आ गया आपका, फिर उसके बाद जब हम P1 रखेंगे तो 1 एक्स की जगह पर हम 1 रखेंगे, तो सिर्फ 1 आ जाएगा आंसर आपका, फिर हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, कैसे 8 होता है आप ये देख लीजिए, 2 × 2 × 2, तो ये 2 × 2 × 2 जो है वो 8 के इक्वल हो जाता है आपका। ठीक है, सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन के लिए भी हमें यही सब फाइंड आउट करना है, तो P0 में आप देखिए पहले 0 − 1 × 0 + 1 मतलब कि यहाँ पर आपके पास बचा -1 और यहाँ पर आपके पास बचा +1। ठीक है, तो −1 × +1 जो है वो −1 के इक्वल हो जाएगा, तो P0 की वैल्यू यहाँ −1 हो गई। जब आप P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ आएगा 1 − 1 और यहाँ पर आएगा आपका 1 + 1।
अब 1-1 आपका 0 के इक्वल हो जाएगा और 1+1 2 के। कोई भी चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 बन जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पहली बार किसी के आंसर में 0 मिला है। तो अगर इस वाली इक्वेशन के लिए आपसे पूछा गया होता इस वाले पॉलीनोमियल का 0 क्या है, तो इस पॉलीनोमियल का 0 जो है वो 1 हो सकता था। P(x-1) जो है इस पॉलीनोमियल का एक आपका फैक्टर निकल आएगा। चलिए देखते हैं, पी 2 की वैल्यू यहाँ पे 2-1 और यहाँ पे 2+1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 के इक्विवेलेंट इनटू 2+1 जो है वो 3, तो ये आ गया आपका 3। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में कोई भी ऐसे टेंशन लेने वाली बात थी ही नहीं, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करानी थी जो ऑलरेडी दे रखी थी, वो भी छोटी छोटी सी वैल्यू, 0-1, 2, ये सब वैल्यूज़ किसी भी उसमें इक्वेशन में पुट करा के आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमारे दो और क्वेश्चन हैं, थर्ड और फोर्थ, उन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। वो भी इजी हैं, ऐसे ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, उनमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा इक्वेशन दिया हो, कितना भी बड़ा पॉलीनोमियल दिया हो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है हमें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो उसमें भी इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, इसमें भी आपको x की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। इस बार लेकिन हमें वेरीफाई कराना है कि ये जो x की वैल्यूज़ गिवन है ये जीरोज हैं इस वाले पॉलीनोमियल का या नहीं है। अगर हमारा इसमें ये x की वैल्यू पुट करने से 0 के इक्वल वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब ये 0 है, वरना नहीं है। तो बस यही हम वैल्यू पुट करा करा के देख लेते हैं फटाफट कि हमारा जो है वैल्यू पूरा का पूरा पॉलीनोमियल का 0 हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि जो भी वैल्यू हमें x के गिवन है वो 0 है बिल्कुल बेशक, और अगर नहीं हो रही है तो 0 नहीं है। चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी आसानी से के साथ। सबसे पहले हमारा p इज इक्वल्स टू -1/3, तो हम यहाँ 3 की जगह पे अपना -1/3 रखेंगे +1। देखिए 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और ये वाला 3 न्यूमरेटर में है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -1+1, मतलब कि वो भी हमारा 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो x था, यस इट इज़ अ 0, इसका आंसर हो जाएगा यस x इज़ अ 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए, इसमें आपको x की जगह पे अपना 4/5 रखना है, तो p की जगह पे हम 4/5 रख के देखते हैं। 5 × 4/5 - π, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4-π। तो 4-π जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो इस केस में ये जो है आंसर हो जाएगा आपका नो, ये 4/5 जो है इस वाले पॉलीनोमियल का 0 बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि टोटल वैल्यू जो है वो 0 नहीं आई फर्स्ट वाले केस की तरह। यहाँ पर आपको इन्होंने दो x की वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो हम दोनों पे निकाल कर देखेंगे। पहले p1 पे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने 1 रखा, -1, तो 1-1 आपका 0 होता है, तो 0 आ गया बिल्कुल, इसका मतलब 1 जो है वो 0 है। अब हम p-1 रख के देखते हैं, -1 का स्क्वायर -1, अब हमारा चाहे +1 हो और चाहे -1 हो, स्क्वायर दोनों का 1 ही होता है। कैसे? क्योंकि -1 × -1 - 1, ये आपका आ जाएगा। यहाँ -1 × -1 जो है वो सिर्फ 1 के इक्वल है, क्योंकि -1 जो है वो प्लस होता है, तो 1-1 0। तो ये जो बोथ ऑफ देम आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, बोथ आर जीरोज, ठीक है, हमने वेरीफाई किया कि बोथ आर जीरोज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जीरो है, दोनों x = 1 and x = -1 दोनों ही हमारे गिवन पॉलीनोमियल x²-1 के जीरोज हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी हमें दो वैल्यूज दे रखी हैं x की, -1 और 2। मैं यहाँ लिख लेती हूँ ये वैल्यूज़ ताकि हम सॉल्व कर सकें आसानी से। तो पहले हम p इज इक्वल्स टू -1 निकालते हैं, तो -1+1 और यहाँ पर x की जगह -1 - 2, ये आपका आ जाएगा -1+1 0 के इक्वल मल्टीप्लाइड बाय -3। तो कोई भी चीज़ अब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 बन जाती है, इट मीन्स कि यहाँ पे -1 जो है वो एक 0 है हमारे इस वाले पॉलीनोमियल का। 2 भी रख के देखते हैं, क्या 2 से भी सेम सिचुएशन बनती है, तो 2+1 और यहाँ पर हमारा 2-2, तो देखिए यहाँ पे भी 3 × 0 आ रहा है, तो बेशक हमारा -1 और 2 दोनों ही इस गिवन पॉलीनोमियल के जीरोज हैं, तो ये भी यस हो गया, यस बोथ ऑफ देम आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, वी हैव वेरीफाइड दिस। यहाँ पे सिर्फ हमें x की जगह पे एक बार में 0 ही रखने को कहा गया है, तो p 0 की वैल्यू निकालनी है, 0 का स्क्वायर हमारा 0 ही होता है, तो फिर ये भी यस इट इज़ अ 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, पर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। तो p यहाँ पे -m/l की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x की जगह हमें -m/l रखना है,
तो वो आ जाएगा आपका l इंटू एक्स की जगह पे माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। तो यहाँ पे देखिए आप l से l कैंसिल हो गया, बच गया माइनस एम प्लस एम, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो आंसर आपका ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे भी यस माइनस एम अपॉन एल इज आ ज़ीरो, ठीक है, ये भी हमारा एक ज़ीरो जो है वो बन जाएगा। चाहे कुछ भी हो, किसी भी केस में टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो वैल्यूज़ दे रखी है उनको पुट कराना है। देखिए इस वाले क्वेश्चन के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, आपका पी माइनस वन अपॉन रूट थ्री पहले पुट ऑन करा के देख लेते हैं, थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर से वन हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल, वन माइनस वन वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब माइनस वन अपॉन रूट थ्री जो है वो बेशक इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा एक ज़ीरो है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो भी यहीं पर ही सॉल्व कर देती हूँ, इसे रब करके मैं। देखिए यहाँ पर p 2 अपॉन रूट थ्री, उस केस में यहाँ पे आप 3 इंटू टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन रखेंगे, यहाँ पे फिर से 3 इंटू टू का स्क्वायर 4 अपॉन रूट थ्री, तो सिर्फ 3 और ये माइनस वन, 3 से 3 कैंसिल्ड, 4 माइनस वन जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब आपका 2 अपॉन रूट थ्री ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पर इस केस में आप जब आंसर लिख रहे होंगे तो आप आंसर भी उसी तरीके से लिखेंगे जैसा हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर, कि आपका 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट थ्री इज़ आ ज़ीरो और यहाँ पे 2 अपॉन रूट थ्री इज़ नॉट आ ज़ीरो। हमने यहाँ पे ये चीज़ वेरीफाई करा ली है। लास्ट में आपको पी 1/2 की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे x की जगह हम 1/2 रखेंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल्ड, 1 प्लस 1 2 आ गया, तो यहाँ पे भी नो इट्स नॉट अ ज़ीरो, ठीक है, पूरी वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई, तो बेशक ये ज़ीरो नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये था आपकी थर्ड क्वेश्चन की कहानी। अभी भी हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसमें आपको ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं। आप देखेंगे कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, इसका मतलब उनकी जो डिग्री है वो आपकी वन के इक्विवेलेंट है, ऐसे एक्स प्लस वन, टू एक्स माइनस वन, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है। तो ये तो आपने बचपन में भी किया हुआ है, इनमें अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करा दीजिए आप, तो एक्स की वैल्यू अपने आप निकल आती है। तो वैसा ही कुछ हम फोर्थ क्वेश्चन में भी करेंगे कि हमारी जो भी वैल्यूज़ हमें निकालनी है वो निकालने के लिए आराम से हम अपने पॉलिनोमियल को ही डायरेक्टली ज़ीरो के इक्विवेलेंट पुट करा देंगे, उससे जो भी वैल्यू हमारी एक्स की आएगी वही हमारा उस वाले गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो जाएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन तो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कि हमें कैसे क्या करना है। इसमें आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं इन सब के, जैसा मैंने कहा था आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, कोई भी आपका क्यूबिक या क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के आपको जब ज़ीरोज़ निकालने होंगे वो हम आगे वाली एक्सरसाइजेज में करेंगे, इसमें हम सिर्फ लीनियर के ज़ीरोज़ जो हैं उन्हें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में आप डायरेक्टली अपने पॉलिनोमियल को ही ज़ीरो के इक्वल पुट करा दीजिए, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही इस वाले पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो जाएगी। तो चलिए फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस वन को अगर हमने ज़ीरो के इक्वल पुट कराया तो हमारे पास आंसर बन जाता है हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, क्योंकि ये जो फाइव यहाँ प्लस था ये यहाँ आके माइनस फाइव हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा ज़ीरो है वो है माइनस फाइव। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर इस वाले केस के लिए x माइनस फाइव को अगर मैं ज़ीरो के इक्विवेलेंट पुट कराती हूँ तो x की वैल्यू फाइव आ जाती है। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए हमारा ज़ीरो जो है वो है फाइव, सिर्फ एक साइन के चेंज होने की वजह से यहाँ पर ज़ीरोज़ की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो गई। फर्स्ट वाले में माइनस फाइव आया और सेकेंड वाले में प्लस फाइव आया। ये वाला देखते हैं, टू एक्स प्लस फाइव वुड बी इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स टू एक्स वुड बी इक्वल टू ये फाइव इधर चला जाएगा, माइनस फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स वुड बी इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन टू, ये जो टू यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ आके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस वाले पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो जाएगा आपका माइनस फाइव बाई टू। नेक्स्ट देखते हैं, इस केस में थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कराएंगे हम। अब देखिए आप यहाँ पे 3x वुड बी इक्वल टू प्लस टू, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस था उस तरफ जाके प्लस का 2 बन जाएगा, तो हमारा जो सिर्फ x है हमारा x वुड बी इक्वल टू 2 अपॉन 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था वहाँ जाके डिवीजन में हो गया, यहाँ पे आपका इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है 2 अपॉन 3। सिमिलरली आपका 3x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x वुड बी इक्वल टू
जीरो अपॉन थ्री, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक्स जो है उसकी वैल्यू यहाँ जीरो आ जाएगी। तो इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो जीरो ही होगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ पर देखिए सिक्स्थ में उन्होंने आपको ऐसे परेशान करने के लिए सिर्फ ए एक्स लिख दिया है, और इन्होंने कहा है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं है यहाँ पर। तो ये इस क्वेश्चन का उल्टा हो गया, यहाँ पे ए की वैल्यू इन्होंने कहा, ये थ्री जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ ए की वैल्यू जीरो नहीं है, एक कोई कॉन्स्टेंट टर्म है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो जब आप ए एक्स को जीरो के इक्वल पुट कराएंगे तो फिर वही बनेगा जीरो अपॉन ए, और फिर आंसर आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसके पीछे क्या राज था कि इन्होंने ए को बोला कि जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर वो जीरो के इक्वल भी होता, जीरो अपॉन जीरो भी हमारा नॉट डिफाइंड है, कुछ भी नहीं कर सकते थे हम, तो हमने बस नॉर्मली यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि ए जो है वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, ऐसा आपके क्वेश्चन ने बता दिया। तो इन दोनों क्वेश्चन में बात सेम है, बस एक जगह पे एक ही जगह इन्होंने थ्री लिखा है, दूसरी जगह ए लिखा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका जो है वो जीरो ही आना है दोनों केसेज में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी इन्होंने आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए सी और डी दिया है, जिसमें इन्होंने फिर से सेम चीज़ कही है कि सी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, इसके अलावा सी और डी दोनों रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब कोई इमेजिनरी नंबर्स नहीं है, ये वही नंबर्स हैं जो आपकी नंबर लाइन पर प्रेजेंट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा जो एक्स है उसकी पावर इवन है, उसकी पावर सॉरी होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है ही, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। हम सी एक्स प्लस डी को जीरो के इक्वल पुट कराएंगे तो हमारा सी एक्स वुड बी इक्वल टू माइनस डी आ जाएगा, ये डी यहाँ प्लस का इस तरफ आके माइनस का बन जाएगा, एक्स हमारा माइनस डी अपॉन सी के इक्वल हो जाएगा, और यही हमारा इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का जीरो होगा। तो यहाँ पे हमारा आया था एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, इस वाले केस में भी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, बस यही आपके आंसर्स हो गए, जो जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ निकल कर यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी बहुत ही इजी एक एक्सरसाइज 2.2 जो है वो सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट वाले में हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है आखिर, और उसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।